ताज नगरी आगरा में शासन के निर्देशों पर सदर तहसील प्रशासन ने एमजी रोड स्थित निर्माणाधीन बिल्डिंग पर स्टाम्प ड्यूटी बकाया होने के कारण सीलिंग की कार्यवाही की। तहसीलदार सदर द्वारा बताया गया कि निर्माणाधीन बिल्डिंग से संबंधित स्टाम्प ड्यूटी की 41 लाख की रकम बाकी थी, जिसमें से 33 लाख पहले दे दिए गए थे, जबकि 2020 से 9 लाख रुपए बकाया थे, जिसकी वसूली के लिए टीम वहां पहुंची और सीलिंग की कार्यवाही की गई। उसी समय बकायेदार द्वारा मौके पर ही बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया, जिसकी वजह से वहां से सीलिंग हटा दी गई है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि तहसील प्रशासन बकायेदारों पर इसी तरह की कार्यवाही करता रहेगा। वास्तव में एक स्टाम्प की कमी की आरसी थी, जो कुल अमाउंट जिसका 41 लाख कुछ रुपए था, इसमें पूर्व में 33 लाख रुपए जमा कराया जा चुका था। मौके पर हमारी टीम के साथ गए थे हम लोग, तो वहाँ पर सील की कार्रवाई की गई थी। उसी समय उनके द्वारा 9 लाख रुपए की अमाउंट जो बकाया था वो जमा करा दिया गया। जी, तो जो सीलिंग वहाँ पर लगाई गई है वो खुलने का क्या? तो अमाउंट क्योंकि जमा हो चुका है, तो फिर वही कार्रवाई के दौरान ही उसी समय जी सील वापस ले ली गई। डीजी महाराजा न्यूज के लिए शैलेंद्र लवानिया की रिपोर्ट।